सबसे पहले जितना भी चैनल के माध्यम से देखा था नहीं, ये न्यूज के माध्यम से सब केहू के भोजपुरी भैया सबके गोर छुके गोर लगा था नहीं। और ये विवाद लगभग डेढ़ दो महीना से चल रहा बा, लोग देखते बानी फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी बहुत सारा विवाद खड़ा भेल बा। तो हम बहुत परेशान हो गए बनिए, बताई रही अगर हम का करिए। नहीं, वो RCM राजमंगल जी कह रहे हैं कि आपको पैसा मिलता था, उसके बावजूद भी आप इस तरीके से छोड़ दिए हैं कंपनी, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पैसा की कोई बात ही नहीं है। पैसा तो मतलब हमको पैसा मिला है, पैसा कुछ पैसा मिला था, लाख डेढ़ लाख रुपया दिए थे दो साल के अंदर में। और एग्रीमेंट मतलब बीच में जब हम विवाद किए थे पैसे के लिए लेकर ही, क्योंकि मुझे 10-20 गाने का कॉपीराइट के लिए जब फर्स्ट बार जैसे हम दिल्ली में आए थे उस समय पहला एल्बम ही मेरा, पहला एल्बम में 5-6 गाना था, चारों पांचों गाना मेरा हिट था, सुपर डुपर हिट गया, RCM कंपनी से ही हम गए। तो हम घर चल गए इस एल्बम को करके, कैसेट को करके घर चल गए। तो राकेश कुमार का, राकेश सर के जो RCM म्यूजिक का ओनर है, उनका फ़ोन गया मेरे, आया मेरे पास, बोला कि धनंजय दिल्ली कल आइए, गाने कुछ करना है आपसे। हम ठीक है सर, हम आ रहे हैं। कल ही कल हम गाड़ी पकड़े और दिल्ली में, और दिल्ली में आए तो हम जैसे ही दिल्ली में आए उससे पहले वो गाड़ी अपने दरवाजे पर लगा कर रखे हुए थे। और वो हमको बोला कि बेटा गाड़ी में बैठो और चलो चलते हैं। हम बोले सर कहाँ चलना है? तो बोला चलो बैठो ना, साला मजाक करते रहते हैं। हम बोले सर मजाक क्यों करूँ मैं बैठ गया गाड़ी में, मेरा आदमी कोई नहीं था, मैं अकेला ही था उस समय। और हमको लेकर चले गए कोर्ट में, और कोर्ट में वो उन्होंने बहुत सारा फाइल भी बना रखा था। और बोले कि बेटा ऐसे करो, आज के बाद से तुम मेरे पास ही गाना है, रहना है और खाना है पीना है। जी सर। तो बोला कि देखो ये पेपर है जो 10 या 20-30 गाने का, मैं तुम्हारा क्या बोलते हैं कॉपीराइट करा देते हैं गाने का, कि अदरवाइज कोई अदरवाइज कंपनी वाला नहीं चलाएगा। जी सर। और उन्होंने मुझसे साइन करवा लिए और हमने साइन कर दिए। और उसके बाद में क्या हुआ कि अब जब हम यहाँ पे, अब तो अब उस समय की बात अलग था, कोई भी कलाकार फर्स्ट बार चाहता है कि भाई हम आगे बढ़े, गाए और भी गाए। लेकिन आजकल देखिए अब इतना मतलब हम अथी हो गए हैं कि अदर कंपनी से हम गाना गा रहे हैं तो गाने कहीं से नहीं दे रहे हैं वो। नहीं, सुनने में आया था कि आपको RCM जो राकेश जी आप पे हमला भी किया है, आपको कुछ किया है? जी जी, देखिए हमला तो मतलब दो दो बार कर दिए मेरे ऊपर। जैसे कि अब मान लेते कि तो सीधी सी बात है, मेरा 5 रुपये का पेट है, आप 2 रुपये देंगे तो हम 3 रुपये कहाँ से भर के लिए हम खाएंगे पियेंगे, है कि नहीं? तो मतलब हम उससे मतलब कंपनी से मुझे पेट नहीं भर रहा था। मैंने राकेश सर को भी बोला भी कि सर कुछ पैसा मुझे दीजिए, और मैं घर से बहुत मतलब गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं सर, आज भी मेरा घर है टूटा फूटा सर। आज आप लोग यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल वाले भी दिखाते हैं एक्चुअली, तो हम उन्होंने भी देखा है मतलब वीडियो कॉल पे, राकेश सर RCM म्यूजिक का मालिक है जो, तो वो कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मतलब बोला कि भाई हम नहीं जानते हैं, हम अपने महीने के 40,000-50,000 रुपये कमाई करते हैं, हम कहाँ से तुमको देंगे? हमको सर गजब वाला बात करते हैं सर, मतलब 40,000-50,000 रुपये कमाएंगे जो 10-10 को स्टाफ को खटवा रहे हैं, 40,000-50,000 रुपये सबको बांट देंगे, किसको मतलब मुला फंसा रहे हैं? अब तो मतलब हम पैसा के डिमांड उसे वहाँ से छोड़ दिए। फिर मेरा फिल्म का बात आ गया कि जो एक मंजुल ठाकुर है सर और अनिल कुशवाहा हैं, तो उन्होंने मतलब एक फिल्म का मतलब ऑफर दिए कि बेटा ऐसा करो कि तुम तो सुना है कि तुम RCM से बाउंड सिंगर हो, और ऐसा करो तुम अपने सर से जाओ NOC लेकर आना, आपका फिल्म में मैं कर रहा हूँ। तो मैंने इस मुद्दे पर राकेश सर से हम बात भी किए थे कि सर मुझे फिल्म का ऑफर आ रहा है, मुझे मूवी करना है, तो सर बताइए अब क्या करें? तो बोले कि हाँ हाँ करो करो ना, जब मर्जी करो तब जहाँ करो। मान लेते नहीं हमारा जब हैसियत नहीं तोरा के लेके फिल्म करे ला, तो जब तक हम ना करम तो का भेल, तू केना कर, तोहर किस्मत बा भाई, तू बढ़बा आगे बढ़बा तो हमारे भी खुशी मिली, हमारा अच्छा लागल। और बीच में हम सूरज सर का एक मूवी भी किए हैं इसकी की गलियों में, और वो फिल्म पूरी तरह से रेडी भी हो चुकी है। तो आज वो फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च करने वाले थे, तो राकेश सर से गए हम उनसे NOC मांगने की, सर मुझे NOC दे दीजिए, अब मुझे क्या कि फिल्म को मुझे लॉन्च करना है। तो उस फिल्म को NOC के लिए मुझे कम से कम 10 से 20 दिन दौड़ा दिए, उसका घोर दिन रात पैर पकड़ के सर दे दीजिए ना NOC, दे दीजिए ना। बोला कि ऐसा करना तुम बिहार का तुम्हारा गवर्नमेंट पेपर लेके आना, बिहार के गवर्नमेंट पेपर पर तुम्हारा लागू होगा, दिल्ली के बनवाओगे तो कोई लागू नहीं होगा सर, सरकार तो सर सबका एक ही है कि नहीं भारत का, तो सर मतलब दिल्ली बनवाया चाहे मोतिहारी बनवाया बात तो वही है सर, हम यहीं के बनवा के अभी तो हमसे मतलब जो भी बनवाए हैं कॉपीराइट जो भी करवाए हैं आप तो यहीं के करवाए हैं ना, दिल्ली के करवाए हैं पेपर पे, तो आप आपको यहीं पे देना है सर, तो आप इसी पे दे दीजिए। हम गए, बोला कि ठीक है जाओ तुम दिल्ली के पेपर पे गवर्नमेंट पेपर पे बनवा के लाओ, मैं तुझको साइन दे दूंगा।
हम गए और सारे कुछ मैंने करवा के लाया उस मतलब बनवा के कोर्ट कचहरी से घूम गए हम सबको फाइनल करके लाए और बोले कि सर देख लीजिए और कंडीशन उसके बाद में पढ़ लीजिए सर और साइन दे दीजिए मुझे फिल्म को रिलीज करना है। बोला कि हाँ बेटा जा ऐसे करो गुड्डू को बोलो कि पानी लेकर आए मेरे लिए। तो हम कहे ठीक है सर, हम गुड्डू भैया को बोल देते हैं, उनके कंपनी में काम करते हैं, वर्कर है वो। तो हम जैसे ही गए तब तक पूरा पेपर को फाड़ कर पूरा डस्टबिन में डाल दिया। हम भी सर पेपर वो फाड़ दिए सर, फिर कैसे होगा सर? बोले बैंच बोले जब फिल्म अभी रिलीज करेगा तुम देखो धनंजय माथा मत चाटो, तुम गाना जब तक एग्रीमेंट कर रखा हूँ तब तक तुम गाओ। सर एग्रीमेंट किस चीज़ का? तो एग्रीमेंट तुम्हारा 3 साल का किया गया है, तुमने जो एग्रीमेंट किया ना जब तक तुम्हारा एग्रीमेंट है 2022 तक तुम गाएगा, इतना ही तुम उसे रखो कि तुम गाना गाओ, गा कर बजा कर दो और मैं चढ़ाऊंगा, उसके बाद में 3 साल के बाद चाहे 5 साल के बाद तुम 2022 के बाद तुम कहीं जाना। हम सर ये बात गजब बात वाली बात कर रहे हैं सर, मतलब सर ये वाला कोई बात हुआ सर? मतलब हम फिल्म कर रहे हैं आज, मतलब तो आपको खुशी होना चाहिए कि सर मेरा लड़का फिल्म कर रहा है आगे बढ़ रहा है, तो सर आप टांगड़ी देकर मेरा पीछा गिर रहे हैं, बताइए इसमें क्या आपको मिल रहा है? अब देखिए अब उस अब कुछ हुरे ना फूरे उठा लिए रोड RCM कंपनी में, अब लागे हमको मारने, वहीं से मुझे 3-4 गोला मिलकर लागे झगड़े करने मारने। हम एक बार फेसबुक लाइव पे मैं आप सबको बताया भी था, और मुझे ने 2-4 गोला उठा के RCM से ऑफिस बाहर निकाल के फेंक दिया। अब हम बहुत रोने लगे कि ऐसा ऐसा बात है। हम बोले कि सर ऐसे कैसे होगा, मेरा गाना भी रिलीज करना बंद कर दिया। बोले कि अब मेरा गाना जब आ रहा था RCM में, मतलब शूट भी कर चुके थे, महीना के तो उनके 30 गाना गाए नहीं भैया, दिन रात मेहनत करके महीना के कौन ऐसे अथी ना हो के जी 30 गाना से कम गाई हमने के। अब क्या किया कि बिना गाना तो मेरा है, गाना मेरा है लेकिन फोटो किसी और का लगा के मार के रिलीज कर दे रहा है, बताइए मतलब कि दबाने के लिए। और मतलब फिर दोबारा उसके कॉल भी गए, सब कुछ भुला गए, चलो गार्जियन से हमारे मार दिए कोई बात नहीं, फिर एक बार कोशिश करते हैं, है कि नहीं? अब उसके बयान बोला है बोलू जब तक अवधेश प्रेमी का फिल्म रिलीज नहीं होगा तब तक मैं तुमको कहीं से करने नहीं दूंगा। सर क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब हम मतलब वो खाएगा तो हम खाएंगे, नहीं खाएगा तो नहीं खाएंगे, हम उसके पीछे हैं क्या? चाहे मतलब हम खाएंगे तो वो खाएंगे, चाहे वो खाएंगे तो हम नहीं खाएंगे, मतलब ये गलत बात है। अगर वो उसका किस्मत है मेरा भी किस्मत है, आप उसको के लिए कीजिए, मैं भी कहीं भी कर रहा हूँ तो मुझे करने दीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारा मतलब कंडीशन डाल दिए। उसके बाद में हम उस कंपनी को छोड़कर हम लोटस कंपनी में चले आए, हम छोड़ दिए कंपनी, वहाँ से गाना भी छोड़ दिया, लोटस कंपनी से 2 गाना भी गाए। जैसे 2 गाना गाए तो स्ट्राइक मार कर गाने को ही बंद कर दिए। अब कहीं से गाना गा रहे थे, फिर सोचे कि अब लोटस से नहीं हो रहा है तो हम अपने लिए ही चैनल खोले धनंजय दुर्गा एंटरटेनमेंट। उस चैनल का लगभग 2 चैनल बनाए थे इससे पहले, तो धनंजय दुर्गा एंटरटेनमेंट उसका सब्सक्राइबर लगभग 70,000 सब्सक्राइबर था, उस चैनल को मारकर स्ट्राइक, उस चैनल को सस्पेंड ही कर दिया, मतलब चैनल खत्म ही हो गया। फिर फिलहाल अभी 10 दिन पहले एक चैनल और धनंजय दुर्गा एंटरटेनमेंट बना रखे थे कि उस पर कुछ गाना, तब तक तो पब्लिक के बीच में तो एंटरटेनमेंट जाते रहेगा ना गाना मेरे, मतलब लोग मतलब दूसरे कंपनी से नहीं तो अपने कंपनी से तो जाएगा चैनल से। उस चैनल को भी मारकर स्ट्राइक बंद कर दिए। अब स्ट्राइक बंद कर दिए तो क्या हुआ कि हम छोड़िए उस सबको बात भुला गए, कहेंगे चलिए कोई नहीं मारिए, जब तक आपको इच्छा करे तब तक मारिए। क्या क्या कहना चाहेंगे राकेश के बारे में, मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी तो हम यही आपसे कहना चाहेंगे, देखिए एक दिन का बात है भैया कि हम एक मेरे भाई के स्टूडियो है बगल में, जो उनका उस दिन बर्थडे था, एक दिन का बर्थडे उनका, और उन्होंने सारे कलाकार को इनवाइट किए थे और उनके कंपनी में हम गए, उनके मतलब उनके बर्थडे पर हम गए, हम गए, शशि भैया गए और बहुत सारे कंपनी के मतलब कलाकार गए थे, लेकिन RCM जी का कोई कलाकार को वहाँ पर इनवाइट नहीं था। और किसी के थ्रू पता लगा कि धनंजय धरकन और शशिलाल यादव विराज जी के स्टूडियो में आए हुए हैं, उनका बर्थडे पार्टी है और उनके स्टूडियो में वो सब आए हुए हैं सेलिब्रेट, तो उनको पता चल गया। अब राकेश कुमार RCM जी के मालिक ऑनर और संजीवनी म्यूजिक के मालिक, उन्हीं का भाई क्या है संजीवनी म्यूजिक विपिन, जिनका नाम है विपिन कुमार कुछ करके, और क्या बोला मंगल जी RCM जी के मैनेजर और गुड्डू, 4 आदमी आया, शशि भैया और हम एक साथ बैठे हुए थे एक रूम में। और उसके बाद में बोला कि धनंजय से मुझे मीटिंग, वो आया 4 आदमी आए और बोला कि धनंजय से मुझे मीटिंग करना है, ठीक। शशि भैया बोले कि कहा जाकर देख लगा कोई था सर, हम ठीक है भैया, हम गए वहाँ पे। बोला कि ऐसे करो सब के बाहर निकल रहो, ऐसे कीजिए विराज जी सबको थोड़ा बाहर निकलिए, उनसे थोड़ा मीटिंग करना है धनंजय जी से। हम जी
तो सारे कोई उनके स्टूडियो जो आप जानते हैं स्टूडियो में कितना फोम वगैरह बहुत सारा लगाया हुआ रहता है कि ताकि वोकल रूम में गाना सिंगिंग हो गया तो वहाँ से बाहर आवाज ना आए। और क्या किया कि उसके अंदर ले गया हमको सारे कुर्सी उसे सजा दिया और उसके बाद मुझे अंदर ले जाने के बाद इधर से चारू गोरा मिलकर ताला अथी मार दिया इधर अंदर से और कुर्सी के सामने साइड कर दिया और लगा चारू गोरा हमको मारने मतलब बहुत मतलब मारते मारते मुझे ना मुझे मतलब हमको अधमुआ कर दिए थे मतलब लगातार 7-8 मिनट तक इतना मुझे मारे थे मतलब हम उठे हम बेहोश हो गए हम गिर के वहाँ पे। तो मतलब ये भगवान करे कि मतलब हमारा हाथ दरवाजे पर बहुत जोर से मारे हम तो मतलब किसी भाई को सुनाई दे दिए दरवाजे से आवाज़ आ रहा है खटखट हाँस की तो मतलब किसी ने सब खोला जबरदस्ती खुलवाया तो इधर पीट पाट किया तो खुला तब देखे तब तक हम गिर गए थे साफ मतलब एकदम रो रहे थे उसी में पूरा मतलब उठा नहीं जा रहा था हमसे तो हम बहुत मतलब हम क्या बताएं मेरा आप समझ रहे होंगे आप सब अगर सामने होते तो आप सबका दिल टूट जाता मतलब पिघल जाता मतलब जितना जोर से मुझे मारा था मतलब तो मतलब मार के कपार फाड़ दिया था यहाँ सब कुछ मतलब इसका मतलब मैंने सरकारी हॉस्पिटल में जाके स्टेटमेंट भी हुआ 3 बजे रात के मेरा उसका पेपर भी है हम भैया हम आपके पास भेजेंगे और क्या कीजिएगा भैया लोगों को मतलब दिखा दीजिएगा कि वो सही बात है। क्या हुआ कि उन्होंने चारों आदमी मिलकर मुझे बहुत मारे क्या किया मेरे मोबाइल छीन लिया उसके बाद में वो चारों लोग यहाँ से फरार हो गए बस हम रोने लगे दर्शक से पूछने लगे क्या हुआ दोनों जब क्या हुआ हम बोले कि भैया ऐसे बात हमारा मीटिंग करे खातिर लिया अंदर बहुत मरल से हम क्या कही हम मतलब हम बोल नहीं पा रहे थे कि आप सबको बुलाए और इधर से आवाज़ भी अंदर से बाहर नहीं जा रहा था। तो जैसे कि हम वहाँ पे तो एकदम बेहोश पड़े हुए थे तब तक नजीर होटल उसके बगल में ही तो वहाँ पे सारे पब्लिक जितना भी मेरे चाहने वाले थे वहाँ सब गए उसको अब हुरे ना पूरे बिपना के राकेश कुमार आरसीएम म्यूजिक का मालिक दोनों को रखा लाते मारत मारत तो की हालत खराब को दे रख कुत्ता का दशा भई रहे अपने के बारिश में ही सब इतना मारा था उसको लेकिन देखिए चश्मा ही उसी का है उसी में पिटाया था पब्लिक से मारे थे भाई सब टारे केला केला का हो गई पिटाई लो में आ तब आज तक चार लेके सुधर तबह हमारा पीछे जान के पड़ल बा तभी नहीं छोड़ा 3 बजे रात के मतलब हम चला नहीं जा रहा था भाई सब उठा के मतलब बिहार के ही भाई सब थे तो मुझे ले गए उठाकर वहाँ से कि धनंजय जी चलिए हम आपके स्टेटमेंट के लिए चलते हैं सब सुई हुई पूरा पानी उनी चढ़ाया और उसके बाद में स्टेटमेंट मेरा अति हॉस्पिटल में 2-3 बजे रात के हुआ तब वहाँ से हम आए और कम से कम मतलब 10 दिन तक मेरा तबीयत खराब था मतलब पूरा शरीर टूट रहा था इतना मार दिया था जोर से आप चार को बताइए भैया हमने ऐसा लग गया कि चार को आदमी अगर मिल के मारे रूम में अगर इतना आदमी बड़ा बड़ा आदमी मिल के मारे तो आदमी लगे पर क्या गुजरी अब बताइए कलाकार के साथ इतना क्यों अगर कंपनी मालिक अगर कलाकार के मारे इतना आए ये लखा अगर कलाकार के साथ कंपनी करे बताइए हम क्या करिए करे क्या कहिए क्या कहना चाहेंगे आरसीएम म्यूजिक में आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं या नहीं है भैया ये हम भले हम गायकी बंद कर देंगे जानते हैं हम इस मीडिया से बाहर निकल जाएंगे गायकी हम गायकी को ही छोड़ देंगे लेकिन जानते हैं आरसीएम को भूल का माँ कसम कर रहे हैं कभी जिंदगी में नहीं गाएंगे उतना घटिया कंपनी कहीं है या नहीं है जो कलाकार का इज्जत नहीं करता है वो दूसरों का क्या इज्जत करेगा। अब पहली बात है कि हमने के तो आरसीएम के कलाकार हमने के सुपर डुपर कलाकार है वाला कंपनी के लेकर चले वाला जो चार कलाकार है हम हैं शशि भैया है मिठू भैया अध्यक्ष भैया है और इन लोग कलाकार का जो वैल्यू नहीं करता हो फिर दूसरे छोट मोट कलाकार का क्या वैल्यू करेगा।